सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और प्लीज शेयर करना। भालो बोले चीज। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं करंटली हूँ मेरे मौसी के घर, और मतलब मैं लिटरली 3 साल बाद आया हूँ इधर। सॉरी, 3 साल बहुत ज़्यादा हो गया, 2 साल 2 साल ही बहुत ज़्यादा हो गया, 1 साल लिटरली मैं 1 साल बाद आया हूँ इधर। और मतलब आई एम रियली एक्साइटेड। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इधर मतलब बहुत कुछ है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, आज मेरे साथ है मेरा भाई कम कैमरामैन, ये रहा काका। हेलो। हाँ, तो मुझे नहीं पता इसको मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, खैर जो भी हो, करंटली मैं इसका ही सनग्लास पहन रहा हूँ। तो हम करंटली जा रहे हैं पीसी सरकार के घर, पीसी सरकार जूनियर के घर, वो यही रहते थे। हम हैं पूर्वा लोक, तो नहीं कि पूर्वा लोक 8 नंबर स्ट्रीट। और तो डिटेल्स क्यों चाहिए। जस्ट किडिंग। हाँ, तो चलिए। So guys, we are currently outside the house of PC Sarkar Junior. मैं थकते ना क्या ना? आगे थक तो। मतलब रहते थे, अब नहीं रहते। हाँ। सही तो? हाँ। हाँ। पर उनके कुत्ते रहते हैं बस। Yes, हाँ। हाँ। उनके पास 2 bulldogs है, according to my brother. कैमरा थोड़ा सामने लाओ। और इधर लिखा भी है, beware of the dogs. तो guys, जैसा कि तुम देख सकते हो, इधर 2 knights की मूर्ति है। और ये मानना पड़ेगा कि ये बहुत ही यूनिक डिजाइन है। And it's a quite big house to say, isn't it? तो अगर कुत्ते नहीं होते तो शायद अंदर जा सकते थे, but according to him, yes, according to me, it's we cannot go inside. हाँ, तो मतलब bulldogs है, और मतलब according to him, they are quite ferocious. तो guys, अब हम एक पार्क की तरफ जा रहे हैं। उधर मतलब जो दुर्गा पूजा है वो मेरे दादाजी ने शुरू किया था, so let's go there. तो गाइस, हम लोग पार्क की तरफ आ गए हैं। ये देखो, ये पार्क। वैसे तो मतलब सब समय लोग होते हैं इधर खेलते, पर ड्यू टू लॉकडाउन कोरोना एंड अदर स्टफ्स, ये अभी भी खाली है, एज यू कैन सी। चलिए, इसके अंदर भी हम जाएंगे। तो गाइस, वी आर फाइनली इनसाइड द पार्क, एज देख सकते हो। ये देखो जी, ये मतलब एकदम परफेक्ट प्लेइंग ग्राउंड है। मैं जब भी इधर आता हूँ, इधर क्रिकेट और फुटबॉल टूर्नामेंट लगा ही रहता है, और हाँ, इंक्लूडिंग बैडमिंटन, मतलब तुम इधर सब कुछ कह सकते हो। इसका लेंथ इतना ज़्यादा है। ये देखो जी, छोटा भीम, इंडिया का नेशनल ट्रेजर। सो गाइस, नाउ वी आर इन द बैक ऑफ द पार्क। ये जो गली देख रहे हो, ये मतलब इधर शायद वैसा कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं, पर मुझे जो मेन चीज़ अच्छी लगती है वो है कि द ग्रीनरी ऑफ दिस प्लेस, मतलब एक बिजी शहर के बीचों बीच इतनी ग्रीनरी शायद मैंने हार्डली कभी देखी है। एंड ओवर दैट द प्लेस इज क्वाइट ब्यूटीफुल, इजंट इट? हरी भरी एकदम, ब्यूटीफुल, इजंट इट? यस। चलो, अब घर की तरह रवाना होते हैं। Let's go. क्या गर्मी है यार, मतलब पसीना निकल गया। So guys, एकदम सामने वो जो घर दिख रहा है वो मेरे नानी का घर है, और वो देख रहे हो एकदम एक्सट्रीम राइट में, वो मेरे मौसी का घर है। अब ड्यू टू माई नानीज पोअर हेल्थ, उनका ध्यान रखने के लिए मेरे मौसा जी ने एकदम पास ही में अपना घर खरीदा है। तो अब हम करेंटली मौसी के घर ही जा रहे हैं। तो गाइस, ये जो तुम देख रहे हो, ये एक बीटर ग्राउट का प्लांटेशन है, जिसको हिंदी में कहते हैं करेला। ये देखो जी, ये देखो दादा, ये देखो, ये देख रहे हो कितना बड़ा है। ये देखो, ये है करेले का फूल। इससे ही मतलब तुम लोगों को पता है, इससे ही करेला होगा। सो गाइस, ये है टमाटे का क्या बोल रहे हैं, टमाटर का पेड़। अभी भी टमाटर नहीं हुए। ये देखो, ये है दिस इज टमाटो का फूल। मैं थोड़ा हेजी आ रहा है, आई एम सॉरी, हवा बहुत है।
सो गाइस इट्स लंच टाइम नाउ। अब देख लो कपड़े भी चेंज हो गए हैं। दिस इज ग्रिफिंडोर शर्ट, हैरी पॉटर वाला। सो गाइस दिस इज आवर लंच। खाने में तो आप देख ही सकते हैं ये है, ये फ्राइड राइस और पनीर हियर और ये जी फाइनली चिकन। सो गाइस इट्स मतलब ये बहुत ही यम्मी लग रहा है। खाना शुरू करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सो गाइस पनीर खाना हुआ, नाउ इट्स टाइम फॉर चिकन। हा हा हा, इसे भी खाते हैं। तो गाइस खाना पीना सब हुआ, लंच हो गया हमारा, बहुत ही अच्छा था। अब हम जा रहे हैं टेरेस की तरफ, उधर भी एक छोटा सा प्लांटेशन है, चलिए आपको दिखाते हैं। सो गाइस वी आर नाउ इन द टेरेस। ये देखो ये छोटा सा एक लौकी है, बहुत ही क्यूट है। और क्या है, ये चिली है, कुछ उगा नहीं। तो गाइस इस चिली के पेड़ में अभी भी कोई फूल नहीं उगे है, मतलब उगेंगे पर बाद में। सो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो, होप यू एंजॉयड इट। अब अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और अगर मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ तो इसे सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। ये रहा मेरा छोटा कैमरामैन आजा भाई, इसने मुझे आज बहुत मदद किया है, आई एम रियली थैंकफुल टू हिम, थैंक यू। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।